नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता ऋषि कपूर साहब अब इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि ऋषि कपूर साहब का पहली फिल्म बाबी नहीं बल्कि उनके पिता राज कपूर साहब की फिल्म श्री 420 था। और ऋषि कपूर साहब ने खुद एक बार खुलासा किया था कि कैसे नरगिस ने उन्हें इस रोल को करने के लिए मनाया था। असल में ऋषि कपूर साहब श्री 420 के गाने प्यार हुआ इकरार हुआ में नज़र आए थे और इस गाने में राज कपूर और नरगिस के पीछे बारिश में चलने वाले तीन बच्चों में से एक ऋषि कपूर साहब थे। वैसे देखा जाए तो इस बात को बहुत ही कम लोग जानते हैं। अक्सर लोग जो हैं वो समझते हैं 1970 की फिल्म मेरा नाम जोकर, ये फिल्म ऋषि कपूर साहब का पहली फिल्म है। लेकिन ये ऋषि कपूर साहब का पहली फिल्म नहीं है। जी हाँ, श्री 420 फिल्म जो है वो वही ऋषि कपूर साहब का पहली फिल्म है। और उस समय ऋषि कपूर साहब का उम्र 3 साल का था और नरगिस ने उन्हें चॉकलेट का लालच देकर इस गाने में लिया था। और ऋषि कपूर साहब ने इसके बारे में बात करते हुए बताया था, मुझे बोला गया था कि श्री 420 में मुझे एक शॉट देना है और मेरे बड़े भाई और बहन भी इस शॉट में शामिल होंगे। और जब भी शॉट हो तब हमें बारिश में चलना था। ऐसे में शॉट के दौरान जब भी पानी मुझ पर गिरता तो मैं रोने लगता और इसकी वजह से वो शूटिंग नहीं कर पा रहे थे। तो नरगिस ने मुझे कहा कि अगर तुम शॉट के दौरान अपनी आँखें खुली रखोगे और रोओगे नहीं तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी। इसके बाद मैंने सिर्फ चॉकलेट के लिए अपनी आँखें खुली रखी और वो मेरा पहला शॉट था। इसके बाद ऋषि कपूर साहब को फिल्म मेरा नाम जोकर में राज कपूर के यंग किरदार के वर्जन में निभाते देखा गया था। और उन्होंने बताया था, हम घर में खाना खा रहे थे और मेरे पिता ने माँ को बोला, कृष्णा मैं चाहता हूँ कि चिंटू मेरा नाम जोकर में मेरे यंग वर्जन को प्ले करे। और मैं बहुत उत्साहित हो गया था कि मेरे फिल्मों में काम करने के बारे में बात हो रही है। मैंने उनके सामने कुछ नहीं कहा, मैंने अपना खाना ख़त्म किया और अपने कमरे में गया। मम्मी तब पापा से कह रही थी कि फिल्म की वजह से मेरी पढ़ाई पर असर पड़ेगा और वो अलग बात है कि उस फिल्म से मेरी ज़िंदगी पर कुछ असर नहीं हुआ। और उन्होंने आगे, लेकिन जब वे इस बात पर विचार कर रहे थे मैं अपने कमरे में आया और अपने स्टडी टेबल की दराज खोली, उसमें एक फुल सीट थी और मैंने उस पर अपने ऑटोग्राफ की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। और आपको बता दें कि ऋषि कपूर साहब ने अपने करियर में बाबी, प्रेम रोग, कभी कभी, लैला मजनू, हम किसी से कम नहीं, नगीना और इसके अलावा बहुत सारे फिल्में हैं जिनमें काम किए। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज ये अजीम फनकार हमारे बीच नहीं हैं, जिनका दुख जी हाँ बहुत ही ज़्यादा है। तो हम लोगों की तरफ से ऋषि कपूर साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि और ऋषि कपूर साहब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और इसी तरह के जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।